हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोभित सिंह स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यमुनानगर में यमुना गैसे लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? आंसर है वर्ष 1975 में। नेक्स्ट, जिला यमुनानगर की औद्योगिकी इकाई द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में से किस देश के निर्यात किया जाता है? आंसर है उपर्युक्त सभी देशों में, दुबई, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, तीनों देशों में किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? आंसर है प्लैंक कांस्टेंट। नेक्स्ट, भारत में RISAT-2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आंसर है PSLV-C46। नेक्स्ट, देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोजन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? आंसर है मेघालय। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? आंसर है अनिल कपूर। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट, भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमेले को खरीदा है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 में स्थान मिला है? आंसर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब कितने जीता? आंसर है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ शुरू किया गया है? आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।